मंदिर की गहराइयों में असंख्य रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के अंदर इतना खजाना है कि अगर इसकी खोज कर ली जाए तो दुनिया मालामाल हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है। आज हम आपको समुद्र से जुड़े एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। ये रहस्य एक जहाज से जुड़ा है जो पिछले 400 साल से समुद्र में भटक रहा है। इस जहाज को श्रापित जहाज माना जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग डचमैन नाम के एक शिप के बारे में। इस शिप को पूरी दुनिया में भूतिया जहाज के रूप में देखा जाता है। इस शिप को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह भूतिया जहाज पिछले 400 सालों से श्रापित होकर समुद्र में भटक रहा है। इस श्रापित जहाज को लेकर कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, जिसके चलते ये हमेशा से चर्चा में बना रहता है। इस जहाज को देखना काफी अपशगुन माना जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इसे समुद्र में देख लिया, उसका जहाज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही इस श्रापित जहाज को लेकर दुनिया भर में कई टेलीविजन शो और फिल्में भी बन चुकी हैं। साथ ही कई लोग फ्लाइंग डचमैन शिप को देखने का भी दावा कर चुके हैं। हालांकि उनके दावे में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जान पाया। आपको बता दें कि 20वीं सदी के मशहूर लेखक निकोलस मानसवेट ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर में इसे देखने का दावा किया था। फ्लाइंग डचमैन शिप को लेकर विभिन्न धारणाएं और मान्यताएं भी हैं। इस शिप को लेकर एक आम धारणा है कि ये एक वैसल था। इस जहाज के कैप्टन हेनरिक वैन द डेकन थे। उन्हें डचमैन के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि 1641 में जहाज के कैप्टन हेनरिक वैन हॉलैंड जहाज के साथ ईस्ट इंडीज की तरफ निकले थे। हालांकि यात्रा के बाद जब वो अपने यात्रियों के साथ हॉलैंड की तरफ वापस आने लगे तो उन्हें रास्ते में कुछ बदलाव किया। उन्होंने अपने वैसल को कैप ऑफ गुड होप की ओर मोड़ने का निर्देश दिया। कैप्टन के इस निर्णय से जहाज में बैठे यात्री काफी नाखुश हुए क्योंकि उन्हें जल्दी अपने घर पहुंचना था। आगे रास्ते में जहाज का सामना एक भयंकर तूफान से हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPM।